वेलकम दी बैक बैक द वेलकम और स्वागत है आपका एक ब्रांड न्यू गलत सीन से भरे पड़े और सस्ती स्नाइपिंग से भरे पड़े PUBG द मोबाइल गेम के वीडियो में। और इस मैच में काफी दिनों बाद आखिरकार मैं थोड़ा ज्यादा सा स्नाइपर चलाता हूं, मतलब स्नाइपर थोड़े टाइम के लिए चलाएंगे लेकिन आप गलती से हेडशॉट ठीक ठाक लग जाते हैं। अब देखो ये जो निहत्ता बंदा अंदर भक्के गया ना और ये गन लेके मेरे को पेल दिया, अगर मुझे नहीं लगता मैं अपने आप को माफ कर पाऊंगा कभी फिर। और यार इधर पे मानो या ना मानो ये निहत्ते बंदे यार मेरी पेटी बनाने वाले थे अभी। मेरे को नहीं पता क्यों और कैसे वो सफेद कपड़ों वाला बंदा भाई ठिलकी नहीं दे रहा है, कूदते कूदते कहां छत पे उतरा था छत से यहां तक पहुंच गया। खैर जल्दी से मैं हीलिंग वगैरह पेल लेता हूं और सामने वाले छत के ऊपर से एक बंदा मेरे पे फायरिंग कर रहा होता है तो मैं भी उठ के गोलियां पेलूंगा। अब यहाँ पे मैं पूरी जान डाल के ये चिल्ला रहा होता हूँ कि भैया चलो रश करें, लेकिन हमारे टीममेट क्या कर रहे हैं, भाई ने किसी बोट को पेल दिया, उसके बाद उसका नाम पढ़ के याद कर रहे हैं कि यार इस बोट को तो मैंने पहले भी कहीं मारा था यार, बोट गया कद्दू लेने बंदे पेलने चलो। खैर जैसे तैसे बोट की पेटियां बना के हम इस छत पे आ जाते हैं और जो बंदा छत पे बैठा पड़ा था वो छत से गायब होके नीचे झाड़ियों में पहुंच जाता है। अब यहाँ पे मैं पूरे जोड़ में रस करता हूँ, मेरे को लग रहा होता है कि यार मेरे टीममेट ने बॉट भी पेल लिया, अब आखिरकार जाके भाई मेरे साथ आ गए होंगे। लेकिन इन दो को पेलने के बाद मेरे को पता चलता है कि भाई अभी तक बोटों की ही पेटियां बना रहे हैं और मैं अकेले बैठा था यहाँ पे। खैर जो भी हो इसी के साथ मिट्टी रेडी खाली हो जाता है, ये गिने चुने चार चीज मिलते हैं लेकिन कोई दिक्कत नहीं यार, देखो शुरुआत में किन नहीं मिली अब क्या ही कर सकते हैं, बैठ बैठ गाड़ी भगा के गाड़ी से भटक भटक के बंदे ढूंढने पड़ेंगे और बहुत ही जल्द दवा के बंदे मिलेंगे। लेकिन उससे पहले हम धैर्य बात कर लेते हैं हमारे स्पॉन्सर की। तो यार इस ऐप या फिर वेबसाइट का नाम है OneXBet, जिसके मदद से आप कई सारे गेम्स क्रिकेट फुटबॉल वॉलीबॉल बास्केटबॉल और भी कई सारे स्पोर्ट्स या फिर ई स्पोर्ट्स पे बैट करा सकते हो। साथ ही साथ आपको आपके पहले डिपॉजिट में 7,000 रुपए तक का बोनस मिलेगा अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हो जो कि कमेंट सेक्शन में दिया गया होगा, और इसमें कई सारे मिनी गेम्स भी हैं तो आप वो खेल के भी पैसे कमा सकते हो। तो हाँ यार अगर आपको इस सब चीज का शौक है आप इस ऐप को ट्राई कर सकते हो, इसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल शौक में। अब आगे पे तीन तीन बंदे एक झुंड बना के ना जाने क्या ही कर रहे होते हैं। मेरे ख्याल से यार देखो ड्रॉप आया था, ये गन गुन की अदला बदली कर रहे थे आपस में। मैं यहाँ दूर पे रोकता हूँ और मेरे ख्याल से दूर को नोक कर दिया और डीपी चार यार ऐसे तो चल नहीं पाते, लेकिन हम इस बार गलती से दो बंदे नोट हो गए तो रस करना तो बनता ही है। और उतरने के लिए तुम्हारा भाई मिलते रेडी भेज रहा था, लेकिन वहां से क्या लेके बाहर निकला, हाँ अभी तक टोमी गन पड़ी थी मेरे पे। और ये चार बंदे पबजी के बंदे कम यार स्कूल के बंदे ज्यादा लग रहे थे, चारों के चारों बंदों ने एक ही जैसे कपड़े पहने हैं वो भी हद से ज्यादा सस्ते वाले, ऐसा लग रहा था यार पबजी छोड़ के स्कूल पे आ गया हूं मैं, हर किसी ने एक ही कपड़ा पहना है। खैर जो भी हो आखिरकार जाके मेरे को M4 वगैरह मिलती है यार, टोमी गन आखिरकार मैं छोड़ता हूँ। अब देखो M4 उठा ली, सीन क्या होता है एक और प्लेयर चलती है और ये देखो यसनाया जैसी जगह जाना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन यार फ्लेयर चली है तो बंदे भी बैठे पड़े होंगे तो कैसे न जाए। और मैंने अपनी सस्ती स्नाइपिंग की शुरुआत भी कर ही दिया, आखिरकार पहला शॉट पहला और पहला शॉट ही बर्बाद कर दिया। लेकिन यार मुझे नहीं पता क्यों और कैसे, लेकिन आगे जाके ठीक ठाक गलती से शॉट लग जाएंगे। खैर एक बंदा मुझे भगते हुए दिखता है तो मैं गाड़ी भगाते हुए लाता हूँ और ठीक यहाँ पे रुकता हूँ। अब हम दोनों तरफ से घिरे हैं और यार मैं घिर के ठिल्ला नहीं चाहता बिल्कुल भी। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से कुल मिला के 8 बंदे बैठे पड़े होते हैं, अगर सोचो मैं वही बीच पे रहता यार क्या ही पेटी बनती हमारी, तो मैं ऊपर आता हूँ टैंक पे और यहाँ पे आते ही 2-3 किल सीधा चोरी कर देता हूँ मैं, मजा आएगा। और जितनी किल चोरी करनी थी कर चुका था, अब बाकी के बंदे खड़े होते हैं बिल्कुल ही।
और यहाँ पे मेरी सस्ती गणित के हिसाब से यार 7 किल मिल जाते हैं। अब सोचो यहाँ पे मैं फिरते फिरते बच गया यार, अगर मैं वहाँ पे रुका रहता ना यार, ये दोनों तरफ से मेरी ऐसी बेटी बनाते कि क्या ही बताऊँ। फिर आपस में बेटी बनाते, मैं वहाँ से साइड हो जाता हूँ और ये दो सुपौड़ के बंदे एक दूसरे की बेटी बनाने लगते हैं। बस फर्क इतना होता है यार, बस ये नोक करते हैं और बेटियाँ मैं ही बनाता हूँ आखिरकार। सही यार, मतलब डिगा पे आया था 2 दिन की मिलेगी सोच के 7 किल मिल जाती है, मजा आ गया। अब देखो 7 किल मिल गई तो यार 30 किल करना, 30 किल करने की इच्छा बहुत जोर से जाग जाती है। तो मैं सीधा गाड़ी उठाता हूँ और ले चलता हूँ बंदों को ढूंढने के अंदर। अब एक और बार यहाँ पे मेरी और मेरे स्नाइपिंग की बेइज्जती की जाएगी, देखो यार क्या सीन होते हैं यहाँ पे। अब पहले हमारे भाई निकालते हैं अजीब सी आवाजें, मेरी फटके चार होती है, मैं बोलता हूँ भैया क्या हो गया ऐसा। बाद में पता चलता है हमारे भाई ने एक गलती से हेडशॉट फेंक दिया किसी को और मेरी बेइज्जती ये बोल के की जाती है, यार तुमसे तो एक गोली तक नहीं लग रही है। तो मैं आ जाता हूँ जोश में और करता हूँ गोलियां बर्बाद। और मेरे को फिर से गोलियां बर्बाद करते देख भाई फिर से अजीब सी आवाजें निकालते हैं, लो लाल कद्दू लसन ना जाने अपना ही चल रहा होता है भाई। खैर एक बंदे को मैं जैसे ऐसे करके गलती से हेडशॉट दे देता हूँ, लेकिन यार देखो स्कूल जैसी जगह पे रस रूस करना बहुत दिक्कतदायक हो जाएगा और वो जगह मेरे ख्याल से यार जोन के अंदर भी नहीं है, तो मैं बाकी बंदे पे निकल करता हूँ। और जब मैं निकलता हूँ वहाँ से यार बंदे आपस में लड़ने मिलने लग जाते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं कहीं से भी गाड़ी रोक नहीं सकता ऊपर में, क्योंकि कौन किधर पे सांप बना होगा, कब कहाँ से डस ले किसी को पता नहीं चलेगा। यहाँ पे लोग यार ऐसे लेटे होते हैं उनको खुद नहीं पता होता कि वो लेटे किधर है, कहीं पे भी लेट जाते हैं। खैर जैसे तैसे करके मैं इस पत्थर पे गाड़ी रोकता हूँ तो यार मेरी फिर से भागना चालू होती है, क्योंकि क्या पता कौन कहाँ से देख ले। तो मैं दोबारा निकलता हूँ उधर से। और जैसा कि मैंने बोला था यार यहाँ पे बंदे मजे से लेटे पड़े होंगे। खैर एक को मैं पकड़ लेता हूँ, इसका दूसरा सांप मेरे को आगे दिखाई देता है, करना क्या यार उसमें भी गोलियां पहले गया। और इस सांप के टीममेट लोग यार सांप नहीं बने होते, वो लोग खड़े होके पूरे चौड़ में इज्जत के साथ खेले होते हैं। खैर उनको भी पकड़ लिया और गाड़ी लेके चल देता हूँ पेटी बनाने। अब मैं यहाँ पे बेशक इनकी पेटी बनाने आता हूँ, लेकिन सीन क्या होता है यार, इसका आखिरी टीममेट कोई और ही बेच देता है और इनकी पेटी खुद ही बन जाती है। अब देखो यहाँ पे मैं जरूर इंतजार करता हूँ उस आखिरी बंदे के लिए, लेकिन अब किसको क्या पता वो कहाँ से लेट के क्या करने वाला है। तो मैं गाड़ी उठाता हूँ और यहाँ घरों पे आ जाता हूँ, क्योंकि देखो जोन आ रहा है यार, और जोन जब डंडे पे देगा उस बंदे को भी भगते रहना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं डेरा डाल देता हूँ और बस इंतजार कर रहा हूँ कि यार कोई भी बंदा दिख जाए। अब ये आते हुए तो नहीं दिखता, लेकिन कोई और दिख जाता है। और मेरे ख्याल से ये ठीक वही बंदा होता है जिसको पहले स्कूल में नॉक किया था, बस इस बार पेटी भी बना दी। अब देखो यार हेडशॉट तो मेरे बस के पार था यहाँ पे, लेकिन एक बॉडी शॉट लगता है, लेकिन कोई भी नोको की नहीं देता। खैर अपने को एक की मिल गई, वो भी काफी यार, इनको बाद में कभी पकड़ लेंगे। फिलहाल बस इंतजार चल रहा है उस गाड़ी वाले बंदे का, और मुझे नहीं पता कितने देर वो जोन के बाहर रहता है, लेकिन आखिरकार जाके भैया आ ही जाते हैं हमारे। और यार ये बंदा बच के भगने की पूरी तैयारी में होता है, और देखो यार मेरे को ज्यादा कुछ करने के लिए बचा नहीं था इस जगह पे। तो हम बैठ बैठ गाड़ी पे बैठते हैं और उस बंदे का बुरी तरह से पीछा करने लग जाते हैं। अब देखो यार वो सकून के बंदे तो बच के भग गए, लेकिन इसको यार जाने नहीं देंगे, ये 2-3 बार बच गए हमसे। तो करना क्या यार, पकड़ने की कोशिश जारी है यहाँ पे। अब यहाँ पे मेरे को नहीं पता क्यों, लेकिन ये भाई बीच रास्ते पे लूट जाते हैं। अब यार उसे मैं लूटना जरूर चाहता था, लेकिन सीन क्या होता है, आगे पहाड़ियों पे भी बंदे बैठे पड़े हैं। देख यार लूट की बहुत ज्यादा जरूरत है, सिर्फ 200 गोली बाकी है मेरे पे। अब ये बहुत ज्यादा भी होती है, लेकिन यार जब तक 300 गोली ना हो जेब में मजा टक नहीं आता बिल्कुल। और पीछे एक सांप बना बंदा यार हमें बुरी तरह से परेशान करता है, तो उसे तो गलती से हेडशॉट लग जाता है। और आखिरकार जाके मेरे एक हेडशॉट सर पे लग रहे हैं,
बहुत टाइम हो गया, मतलब बर्बाद करे जा रहा हूँ, बेइज्जती हो रही है, जहाँ देखो बेइज्जती हो रही है। आखिरकार किसी को भेजा और आगे भी बंदे यही पहाड़ी के पीछे बैठे पड़े हैं। तो यार कोशिश मेरी पूरी है यहाँ पे कि एक और एपिसोड चिपका दूं गलती से। और पिछली बार मैं हेडशॉट देके रस नहीं कर पाया था, लेकिन यार इस बार रस पक्का करेंगे। अब मैं क्या बहाना देने वाला हूँ ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बहुत अच्छे से पता है। यार गन रिलोड पे चली गई, और रिलोड पे जाएगी कैसे यार, फालतू की गोलियां चला रहा हूँ चौड़ में, तो यही तो सीन होगा आखिरकार। और जैसे ही हमारी लड़ाई खत्म होती है यार, मौके का फायदा उठाने ना जाने कहां कहां से बंदे आ जाते हैं। जहां से मैं गाड़ी लेके आया वहां पे बंदा पहुंचा पड़ा है, मतलब भाई ने पूरा 1000 IQ गेम प्ले कर रखा है। अब देखो गेम प्ले भले ही 1000 IQ, लेकिन यार मेरे पास एक AWM पड़ी है अभी। अब गलती से हेडशॉट की खुशी मुझे बढ़िया तरीके से होती है, लेकिन उतने में हमारे भाई बोलते हैं भैया राइट से 2-3 बंदे आ गए, मेरी फट के 14 हो जाती है। बाद में पता चलता है यार 2-3 तो एक कद्दू भी नहीं है, एक अकेला बंदा आ रहा है, और ये अकेला बंदा उन्हीं उसी बंदे का टीममेट है जिसने 1000 IQ फ्लैंक मारा था। खैर जो भी हो, देखते ही देखते बस 4 ही बंदे जिंदा है, और यार देखते ही देखते मेरे 30 किल का सपना भी यहीं पे टूट जाता है। अब बस यही 28 किल से काम चलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे को बंदे ठीक से दिखे तक नहीं है, और हमारे भाई ने हेडशॉट भी चिपका दिया। यार ठीक है, मतलब स्नाइपिंग सस्ती है, इस कदर बेइज्जती तो मैं करूँ, करना क्या था यार, अब मेरे को भी चिपका लूंगे हेडशॉट। और देखते ही देखते 2 बंदे नॉक कर देता हूँ मैं गलती से। अब करना क्या यार, जहां तक मेरे को पता ये चारों के चार बंदे एक ही टीम के हैं और एक ही घर पे बैठे पड़े हैं, तो मैं धैर्य पैड गाड़ी उठाता हूँ और जोन के अंदर घुस जाता हूँ, क्योंकि अगर ये चारों एक साथ दूरी चलेंगे तो यार गाड़ी की ऐसी तैसी हो जाएगी, और जोन में घुसना तो भैया भूल जाओ। और कई महीनों बाद, नहीं महीना बोला था, तो कई दिनों बाद आखिरकार जाके जोन हमारा साथ देगा, और जब जोन साथ दे जाए तब बंदों की पेटी बनाने में अलग ही टैक्टिक सीख लिया है। और यार इस अकेले बंदे का नाम तो रट टाइप सा गया है मुझे, हर बार ये बंदा पीक कर रहा है, हर बार मेरा गलती से हेडशॉट इसी के सर पे जाके लग रहा है। खैर ये चारों के चारों बंदे मेरे पे गोली चला रहे होते हैं, मेरे ख्याल से ग्लिच ग्लिच से मैं दिखाई दे रहा हूँ, बिल्कुल मेरे मुंह पे गोलियां आ रही होती है। खैर नॉक कर दिया, अब बस इंतजार है इनके भक्ति वेदर आने का। और यार ये बंदा बहुत ज्यादा अलग लेवल पे है, मैं अभी गिन भी नहीं पा रहा हूँ ठीक से कि मैं इसे कितने बार नॉक कर चुका हूँ, मेरे ख्याल से 3-4 बार नॉक कर दिया भाई को। सो तो यार मतलब रिवाइव करने में कितनी दिक्कत हो रही होगी, जल्दी से दबाना पड़ेगा रिवाइव। खैर यहाँ पे मैं इस कोने में आ जाता हूँ, क्योंकि देखो जोन अपने पे बन चुका है, और भगते हुए ये कभी भी आते होंगे, तो पकड़ के बस पेटियां बनानी है। अब ये सेम आवाजें यार तब भी निकाल रहा था मेरा टीम में जब मैं सस्ती फाइटिंग कर रहा था, अभी गलती से हेडशॉट लग भी जा रहे हैं तब भी भाई सेम टू सेम वही आवाजें निकाले जा रहे हैं। सही यार मतलब बढ़िया, ये जो भी हो भैया एक ही आवाज निकालो, ताकि पता ना चले कि तुम बेइज्जती कर रहे हो या तारीफ कर रहे हो बंदे की। खैर अब मेरे को बस एक ही चीज का डर है, ये लोग जोन से ना ठीक जाए। हाँ चारों को फेंक दिया। अब देखो जोन अपने पे बन जाए बहुत ही बढ़िया, बस दिक्कत ये होती है यार जोन बाकी बंदों की पेटी ना बना दे, तो मैं धैर्य पैड नोक नोक करता हूँ और रस्ते में भगते भगते पकड़ लेता हूँ लोगों को। और आखिरी बंदा तो यार जोन के बाहर ही लेट गया था, मेरे ख्याल से उसने सोच लिया था कि यार खेलूंगा तो जोन से खेलूंगा, मेरे को किल देने को राजी नहीं था वो बंदा, लेकिन लेटते हुए हम देख लेते हैं और भाई की पकड़ के पेटी बना देते हैं। तो बस भाई लोग यार आज के वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जाते जाते ये जितने भी मैंने गलती से हेडशॉट पे ले, इन सारे हेडशॉट वगैरह के लिए यार लाइक ठोकना बिल्कुल ठोका पीटी करके नीला टैप कर दो। और अगर आप यहाँ पे नए हो तो यार करो सब्सक्राइब, और भी ऐसे गलत टीम वाले गेम प्ले और सस्ती कमेंट देखिए, और जाते जाते AKX बैग चेकआउट करना मत भूलना, उसकी लिंक कमेंट सेक्शन में होगी बिल्कुल टॉप में। तो कल